हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गॉड ऑफ वॉर में। तो वही है, सामने कौन सी सिटी है? ओह फाइनली वी आर आ चुके हैं स्पार्टा में। तो भाई क्या ओपी सिटी है यार, एकदम इतनी हाइट पे बनी हुई है, क्या शानदार बनाई है सिटी। तो फाइनली हम आ चुके हैं स्पार्टा में, जो कि क्रेटोस का घर है। एंड भाई आते ही वाह, नमन करने लग गए यार, ये तो एकदम राजा वाला फील आ रहा है यहाँ पे। तो क्रेटोस यहाँ का गॉड है, एंड ऑल हेल टू द गॉड क्रेटोस। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने मार दिया है गॉड ऑफ डेथ थेनेटोस की बेटी एरिनीज को। भाई बहुत भगा भगा के मारा, बहुत दौड़ा दौड़ा के मारा उसको, एंड एंड में तो उसका बिल्कुल काम ही समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद हम आ चुके हैं स्पार्टा में। अब देखते हैं यहाँ से अपनी स्टोरी कहाँ पे लेके जा रही है, क्योंकि डेमोस की तलाश अभी भी जारी है। एंड यहाँ पे अपन कितना स्लो चल रहा है यार क्रेटोस, अपन ब्लेड्स भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक वैसे ऐसे ही चलना पड़ेगा द ब्रोथेल। ओके ब्रोथेल जगह का नाम है, एंड लेफ्ट साइड में नहीं जाना है अपने को। अगर आप लोगों ने यह गेम खेला हो तो पता होगा आपको कि कहाँ ले जा रही है वो जगह। तो आई डोंट वांट कि 18+ रेटिंग आ जाए भाई मेरे वीडियो पे। तो ओके देखते हैं कहाँ लेके जाता है रास्ता। एंड डेमोस की जो सर्च है वो अभी भी जारी है। कहाँ मिलता है डेमोस, क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए यार देखिए, बहुत तगड़ी फाइट थी। एरिनीस को बहुत बुरी कदर से मारा अपन ने, एंड गॉड्स को एक चुनौती दी है। तो देखते हैं क्या होता है, उसका रिप्लाई क्या आता है, क्योंकि गॉड्स जो है चुप नहीं बैठने वाले। एंड यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ के गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन आ रहे हैं पूरी सिटी के अंदर। एंड सामने मुझे लग रहा है ये क्रेटोस एंड डेमोस ही है। यस वही है। ओके तो अपन को डेमोस को हराना है। भाई क्या भाई भाई को लड़वा रहे हो यार, आई थिंक ट्रेनिंग चल रही है इनकी। एंड इसी फाइट के दौरान वो एरीज आता है एंड फिर डेमोस को लेके चला जाता है। तो देखते हैं अभी हराते हैं, वो भी आएगा स्टोरी आगे चलेगी। तो भाई ये तो खेल चल रहा है तगड़ा वाला इनका, लात और स्पीयर बस दो चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं अपन। नहीं नहीं रुक जा भाई, अबे छोटा भाई है बड़े भाई को मारता है क्या, यही संस्कार है तेरे। ओए मिट्टी डाल दी आंखों में यार इसने। आई थिंक फाइनल ऑफ बीट कर दिया अपन ने। Even in death, a Spartan stands tall for battle. You are a Spartan, are you not? Yes, Kratos. After the great war with the Titans, the Oracle had foretold the demise of the Olympian gods and the destruction of Olympus. She saw that it would be brought about not by the hands of the Titans, who thirsted for revenge, but by the hands of a mortal, a marked warrior. Whoever controlled the marked warrior controlled the fate of Olympus. Ikali, patroness of Sparta, Thera Ivan Kali. Eidora, 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 Eidora,
forgive me. ओके, तो एक भविष्यवाणी हुई थी, उसमें जो गॉड्स हैं उनका जो खात्मा होगा वो होगा एक मार्क्ड वॉरियर से, जो मार्क डेमोस पर बने हुए थे क्रेटोस के भाई के ऊपर। इसीलिए एरीज और एथेना उसको लेने के लिए आए थे। एरीज क्रेटोस को भी मारने वाला था बट एथेना ने उसको रोक दिया। एथेना, अगर आपने देखा हो वीडियो, तो शुरू में आई थी एथेना, वो भी एक देवी है, तो उसने बचा लिया क्रेटोस को मरने से। वो एरिस की बहन है जो पहले गॉड ऑफ वॉर था, जिसको क्रेटोस ने मार दिया था, एंड अब नया गॉड ऑफ वॉर जो है क्रेटोस है। तो देखते हैं, डेमोस को लेके पकड़ के लेके चले गए थे, एंड क्रेटोस को इतने साल लग रहा था कि वो मर चुका है। ओके, तो अपन आए जेल्स ऑफ स्पार्टा में, बट वो जिंदा है, तो अब क्रेटोस उसकी तलाश में है। आई थिंक अपने को यहाँ पे एक लिवर पुल करना है। ओके, एंड गाइज, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो यार लाइक ज़रूर करना, क्योंकि सपोर्ट दिखाइए इस सीरीज़ को, तो खेलने में मज़ा आता है। एंड फाइट होने वाली है कुछ, आज के वीडियो की पहली फाइट, इतनी देर ठंडा ठंडा चल रहा था सब माहौल। एंड ये नए आए हैं यार कुछ मॉन्स्टर्स, आ जाओ भाई, एक एक करके निपटाता हूँ सबको। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो यार वीडियो ज़रूर लाइक करना यार, लाइक करना मत भूलना। एंड हो सके तो वीडियो पूरा देखना, ट्राई करना, बहुत बड़ा होता है, बट जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। मेन मेन फाइट्स तो देखिएगा ही देखिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी यार, लोग वीडियोज़ देख रहे हैं। ओके, तो अपने को जाना है आई थिंक इस साइड पे, इस साइड पे भी देख लेते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। सीक्रेट नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, तो उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हिडन चेस्ट होते हैं, तो उन चेस्ट को मिस नहीं कर सकते यार अपन। फिर लीवर, तो जेल बनी हुई है पूरी, तो लीवर्स होंगे ओपन करने के लिए। एंड ये कौन है भाई, ये नया नमूना कौन है? द डिसेंटर, पता नहीं कौन है अभी, ये भाग गया यार, मतलब इसको पकड़ना है अपने को, बाकी भागता नहीं है। जरूर इसने कुछ ना कुछ बुरे कर्म किए हैं भाई, तभी भागा है यहाँ से। तो इस साइड इसका पीछा ही करते हैं अभी। तो एक सेकेंड, हेल्थ चेस्ट पड़ा हुआ है तो हेल्थ फुल कर देते हैं, आधी हेल्थ ही बची है अपने पास, कि भाई कभी भी कौन सी फाइट हो जाए, क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। ओके, तो इन कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ेगा अभी आगे जाने के लिए। एंड अब इस सीरीज़ को खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, लास्ट वीडियो के बाद जो फाइट शुरू हुई है, एंड ये आ गया भाई। इसको तो अपने शुरू में मारा था इस टाइप के बंदे को, सिर्फ ब्लॉक करना है एंड अटैक करना है। अब तो अपनी
जो ब्लेड से इसकी ताकत भी बहुत हाई हो चुकी है। थोड़े से ऑप्स और मिल जाएंगे तो और हाई हो जाएगी। अभी फोर्थ लेवल पे आ जाएंगे अपन, थर्ड लेवल पे आ चुके हैं। ब्लेड्स ऑफ एथेना की पावर, अगर आपको नहीं पता है तो ये ब्लेड्स जो है, पहले जो ब्लेड्स थी गॉड ऑफ वॉर 1 में, वो एरीज ने ले ली थी क्रेटोस से वापस। तो एथेना ने, जब क्रेटोस ने एरीज को मारा, उसके बाद एथेना ने ब्लेड्स वापस क्रेटोस को दी एंड इसको गॉड ऑफ वॉर बनाया। तो इसीलिए इसका नाम है ब्लेड्स ऑफ एथेना, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी भी रहे यार गेम्स की। भाई ये पता नहीं कौन सा लीवर पुल कर रहा है भाई, अरे यार फिर भाग गया ये। एंड दोनों गेट बंद हुए, मतलब फाइट होने वाली तगड़ी। ओ भाई फिरायस लायन, भाई साहब ये तगड़ा लग रहा है यार। मान पता नहीं कितनी देर में मरेगा ये, अब तो देखते हैं कैसे क्या फाइट, किस तरह से अटैक करता है ये। ओके तो साउंड से भी अटैक कर रहा है यार ये तो। ओ शिट पकड़ लिया मुझे, अबे खा गया यार। तो अपने को पावर यूज़ करना है जो अपने को एरिनिस से मिला था उसको मारने के बाद, तो उससे अपनी क्या हेल्थ वापस, नहीं 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 नहीं, हेल्थ अपग्रेड वापस हो जाती है, बट मार दिया यार। ओके वापस हेल्थ ले लेते हैं, तब तक ये पावर लगती है तब तक इसको फोड़ते हैं भाई। तो शेर होगा भाई, बट गॉड ऑफ वॉर से पंगा ले रहा है तो मैं इसको मारता हूँ यार, थोड़ा सा ध्यान से मारना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बहुत देर हो चुकी है यार फाइट करते करते, पता नहीं कब मरेगा ये। ऑन स्ट्राइड, ओ गया गया जीरो, ऑन गया जीरो, कम ऑन मैन। ओ भाई फाड़ दिया यार, तगड़ा सीन था। अब कहाँ जाएगा भाई, हो गया तेरा गेम ओवर। भाग भाई अब भाग, कहाँ जा रहे हैं हाँ तेरी तो। ओ भाग गया, फिर भाग गया भाई, कोई बात नहीं, इसको तो अब घसीट घसीट के मारेंगे। क्या चल रहा है क्रेटोस एकदम स्टाइल में भाई, एकदम बॉलीवुड वाला सीन लग रहा है मुझे, सनी देओल विलेन के पीछे। एंड ओ ये तो तगड़ा वाला, बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म वाला सीन है, सनी देओल बन चुका है क्रेटोस आई थिंक। अब गया है, अब मरेगा है। बहुत एरीज एरीज कर रहा था ना भाई। खत्म, अपने को इसकी बॉडी उठा के ले जानी। ओके आई थिंक आगे एक बटन होगा, जो जब भी अपन बॉडी उठाते हैं उस बटन के ऊपर रखते हैं ताकि गेट खुला रहे। ओके तो ये रहा जैसा कि मैंने बोला था, एंड सीढ़ियाँ आई है इससे नीचे, तो बॉडी को यहाँ डाला। ऑप्स ले लेते हैं, रेड ऑप्स बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। एंड इस साइड भी ओके, एक एक बहुत काम का होता है रेड ऑप्स, देखते हैं कहाँ ले जाती है ये सीढ़ियाँ अपन को। ओके तो अपन आए माउंट्स ऑफ लेकोनिया में, लेकोनिया के पहाड़ों पे। अब ये लेकोनिया स्पार्टा से आई थिंक बाहर निकल चुके हैं अपन, नहीं बाहर तो नहीं निकले, स्पार्टा के अंदर ही ये लेकोनिया के पहाड़ है।
इस पे आए हैं। अब पता नहीं ये रास्ता अपने को और कहाँ ले जाने वाला है, बट देखते हैं भाई। लास्ट टाइम माउंट्स ऑफ अरोनिया पे तो भाई कुत्ते कहाँ आ गए, कुत्ते नहीं ये वुल्फ है, भेड़िए हैं ये। आ जाओ भाई, आ जाओ सब आ जाओ। तो माउंट्स ऑफ अरोनिया की तो लोकेशन बहुत ओपी थी, अब इसका देखते हैं इस पे कैसी लोकेशन मिलती है अपने को। ऑलराइट, तो सेव पॉइंट आ चुका है, यहाँ पे सेव कर देता हूँ मैं एक बार गेम को। अब नेक्स्ट सेव पॉइंट तक और खेलते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में खेलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो यार फिर सेट नहीं होता मेरे अपलोड करने का भी। तो भाई लोकेशन तो एकदम रेड, ऐसा लग रहा है रेड पहाड़ है। वो जो लास्ट टाइम माउंट्स ऑफ अरोनिया था वो तो बर्फ का था, वाइट फुल पूरा, एंड ये है पूरा रेड लेंकोनिया। तो नेम दोनों के मिलते जुलते ही हैं, लेंकोनिया अरोनिया। ओके अपने को जाना है, एंड सामने आ रहे हैं कुछ टिंडर मिंडर। नहीं नहीं लटक गया भाई, मेरे छोड़ मेरे पैर, छोड़ भैंस की छोड़ मेरे पैर को, मर गया एंड गया ये। ऑलराइट, तो मुझे लग रहा है अब यहाँ पे वापस इनको मारना पड़ेगा, ये बहुत परेशान करते हैं यार। एंड नहीं नहीं मेडुसा भी आ गई यार, मेडुसा और इनके साथ भाई फाइट बहुत तगड़ी होती है। एंड अगर इसने बर्फ जो बना दिया, किसी ने मार तो दिया अपन मर जाएंगे। पहले मैं मेडुसा पे ही फोकस करने वाला हूँ मारने के लिए। अगर आप भी ये गेम खेल रहे हो तो पहले मारिए मेडुसा को, पैम कम ऑन, ये गर्दन मुझे दे दे मेडुसा, दे गई भाई। मज़ा आता है कभी कभी डायलॉग मारने में भी यार। भाई बहुत देर से एकदम फाइट चल रही है तगड़ी वाली, मेडुसा को तो सारी मार दिया है, अब ये दो तीन और बचे हैं, बस इनको और मार दे भाई, ये परेशान बहुत कर रहे हैं, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम बची हुई है। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता मरने का, क्योंकि अब इतने बंदों से वापस मैं फाइट नहीं करना चाहता है, परेशान हो गया मैं वैसे भी इतना फाइट करके। ओके तो हेल्थ का तो यहाँ पे है, हेल्थ फुल कर लेते हैं, बट ये इस पर कभी कभी हेल्थ मिलता है, कभी मैजिक मिलता है, तो हेल्थ मिला है हमें।
वाओ, लोकेशन तो प्यारी है भाई। एक सेकेंड, ऊपर कहाँ जा रहा हूँ मैं? नीचे एक रेड ऑप्स पड़ा हुआ है, रेड ऑप्स का चेस्ट, इसको ले लेते हैं। तो अपने को चाहिए 8090 ऑप्स ब्लेड्स ऑफ एथेना को अपग्रेड करने के लिए, और अपने पास है 6000, तो 2000 अभी और चाहिए। उसके बाद अपन ब्लेड्स ऑफ एथेना को लेवल 4 पर ले जाएंगे। अभी तो अपने लेवल 3 पे हैं। एंड ये भाई कचरा देखा हो तो शांति से पहाड़ पे भी नहीं चलने देते, बहुत परेशानी भाई इनको। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, कि पसंद आ रही हो तो यार लाइक करना मत भूलना। ओके, तो यहाँ पे रस्सी है एंड सामने से तीरंदाज है, तो पहले तीरंदाजों को मारना पड़ेगा, तभी जाके अपन इस रस्सी पे जा पाएंगे। बाकी रस्सी पे जाते भाई तीर चलनी शुरू हो जाएगी तो अपन ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले मैं फटाफट मारता हूँ इनको। नहीं नहीं देखो, बाहर आते ही तीर चलानी शुरू कर दी इन्होंने। तो इनको मारते ही अपन चलेंगे रस्सी के ऊपर से, एंड ऑप्स बाद में लेंगे, पहले इनको निपटाते हैं भाई। ऑलराइट, तो अब अपने को जाना, अब अपन यहाँ से जा सकते हैं। देख सकते हो आप, अगर अपन पहले गए होते तो वहीं से तीरें पड़ती अपने, तो अपन सीधे घिरते खाई के अंदर एंड अपना गेम हो जाता ओवर। तो इसीलिए पहले अपन ने आर्चर्स को मारा, एंड यहाँ पे चेस्ट में क्या जो भी मिलता है ले लेते हैं। ओके, ऑप्स मिले 3 और, ये रस्सी नहीं टूटी हुई है, कुछ भी नहीं है। अपने को वापस जाना है पहाड़ के ऊपर, एंड सेव पॉइंट आ चुका है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।